आप यहाँ पर कैमरा के थोड़े फीचर यहाँ पर हम देख लेते हैं। कैमरा के थोड़े फीचर देखने के लिए आपको है ना यहाँ पर फोटो पर लेना है, फोटो मोड पर, और आपको सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर वाटरमार्क, आप वाटरमार्क रखना चाहते हैं या नहीं, सबसे पहले है मॉडल, फोन कौन से फोन से आप क्लिक किया, वो फोटो क्लिक करने के बाद में यहाँ पर वो मॉडल बता देगा, वो फोन का मॉडल। उसके बाद में वाटरमार्क में उसके ठीक नीचे दिख रहा है डेट एंड टाइम, आप किस वक्त क्लिक किया, किस तारीख को क्लिक किया फोटो, वो भी बताना चाहिए या नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। लोकेशन, कौन से लोकेशन पर आप क्लिक किया वो भी बता देगा, इसको ऑन करना चाहते हैं तो ऑन कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 59 फीचर की, उसके ठीक नीचे दिख रहा है उसी कैमरा सेटिंग में आने के बाद में वॉल्यूम बटन है, यहाँ पर शूटर है, जूम है और वैल्यूम है। आप शूटर करेंगे ना, आप वैल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे कैमरा ओपन करके तो फोटो क्लिक हो जाएगा, आप वॉल्यूम करेंगे तो कैमरा मतलब कैमरा ओपन करके आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे तो साउंड ज़्यादा होगा, जूम करेंगे तो आप वॉल्यूम बटन पर क्लिक करेंगे ना कैमरा ओपन करके तो जूम होगा, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। 60 फीचर की बात करने के लिए शूटर साउंड है, आप फोटो क्लिक करने के बाद में साउंड आना चाहिए नहीं, वो भी आप कर सकते हैं। 61 फीचर की बात करने के लिए और आपको आना है नीचे एडवांस सेटिंग पर क्लिक करके, यहाँ पर फ्लिप सेल्फी, सेल्फी फ्लिप होना चाहिए नहीं, मतलब इस तरह से आप सेल्फी क्लिक करेंगे तो वो उल्टी हो जाएगी सेल्फी, मतलब फ्लिप हो जाएगी, आप एक एंगल से लेंगे तो इस एंगल से आप सेल्फी लिया बोलकर इस तरह से बता देगा, सेल्फी फ्लिप होना चाहिए नहीं, वो आप कर लेना। अगर मैं कहूँ तो इसको ऑफ ही रहने देना है। बात करते हैं 62 फीचर की, 62 फीचर की बात करने के लिए ना आपको यहाँ पर दिख रहा होगा और आपको आना है बैक, बैक आने के बाद में और आपको यहाँ पर आना है नीचे, नीचे आने के बाद वीडियो की क्वालिटी आप 4K रख सकते हैं, 4K तो आप डायरेक्ट 4K हो जाएगा, इस तरह से आप अपनी वीडियो क्वालिटी सेटिंग को भी रख सकते हैं। बात करते हैं 63 फीचर की, स्लो मोशन रिकॉर्डिंग फुल HD कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं 64 फीचर की और आपको आना है बैक, बैक आने के बाद में और कुछ फीचर की बात यहाँ पर हम कर लेते हैं। और यहाँ पर है ना आप मोर पर क्लिक कर लेना, मोर पर क्लिक करके आप डू आगे और पीछे दोनों कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं एक साथ में, ये फीचर आपको यहाँ पर मिलेगा डुअल व्यू वीडियो, तो इस तरह से भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं वापस से और 65 फीचर की।